गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पुष्प भूति या वर्धन वंश की बात करूँगा, उनकी शासनकाल की बात करूँगा जो इंडियन हिस्ट्री का महत्वपूर्ण भाग है और बीए फोर्थ सेमेस्टर की विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए भी लाभदायी है। पुष्प भूति, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में एक बार फिर से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। संपूर्ण उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। विदेशी आक्रमणकारियों ने इसी स्थिति को और भी ज़्यादा विकट बना दिया था। छोटे छोटे राज्य अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ने तथा षड्यंत्र रचने लगे। विशेष रूप से हूणों के आक्रमणों ने संपूर्ण उत्तर भारत को अराजकता की ओर धकेल दिया। भारतीय राजनीति तथा समाज पर एक साथ चारों तरफ से संकट के घनघोर बादल मंडराने लगे। इस अंधकार में स्थिति में हरियाणा के थानेसर से एक रोशनी की किरण उत्पन्न हुई, अर्थात इस समय थानेश्वर, उस स्थान को बोलते थे स्थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र जिले में है। ये जगह केसरी कंठ जनपद के एक पराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने हरियाणा क्षेत्र से देश के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया। उसने अपने कुल के गौरव मर्यादा का नाम का मान रखते हुए बर्बर हूणों को इस भूमि से दूर रखा। बहुत बड़ी बात है, उस समय हूण बहुत बड़े आक्रांता थे। वह व्यक्ति था पुष्पभूति, जिसने हरियाणा के स्थानेश्वर में पुष्पभूति वंश की स्थापना की। इस वंश के राज्य को वर्धन वंश के नाम से जाना गया। पुष्पभूति ने जो स्थापना जिस राजवंश की उसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इस वंश के शासकों स्वातंत्र वर्धन से जुड़ा हुआ था। पुष्पभूति के बाद उसके वंश को नरवर्धन, आदित्यवर्धन तथा राज्यवर्धन जैसे शासकों ने आगे बढ़ाया। इस वंश की स्थापना ने भारतीय इतिहास के उस खाली स्थान को भर दिया, जिसका शिकार तत्कालीन परिस्थितियों में पूरा उत्तर भारत हो रहा था। गुप्त शासकों के पतन के बाद उत्तर भारत में उभरने वाला यह सबसे बड़ा राज्य था। वर्धन या पुष्पभूति वंश का सबसे महान, अनोखा और चमत्कारी शासक हर्षवर्धन था। हाँ, वर्धन वंश में जो सबसे पराक्रमी के तौर पर जो जाने जाते हैं वो हर्षवर्धन जी जाने जाते हैं। उसने वर्धन राज्य का 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया, करीब 41 वर्ष। उसने अपनी निरंतर विजयों से अपने वंश तथा इस क्षेत्र की ओर को आसमान तक पहुंचा दिया। उसने विजयश्री अभियानों ने हरियाणा क्षेत्र को उस समय की राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर जो मैं कह रहा हूँ, वो पाटलिपुत्र जैसा गौरव प्रदान किया। वह एक महान शासक, महान सेना नायक, महान विद्वान तथा कुशल प्रशासक था। और आज चैनल का लक्ष्य भी हर्षवर्धन जैसे शासक और प्रशासक तैयार करना है। उस जैसी चारित्रिक विशेषताएं समकालीन समय किसी अन्य शासक में नहीं थी। वह स्वयं विद्वान था, इसलिए विद्वानों का जोरदार स्वागत और सम्मान करता था। उसके शासन चलाने का एकमात्र उद्देश्य जन भलाई था। हर्षवर्धन जी से विद्वता और जन भलाई की बात आज के शासक और प्रशासक जो नेताजी हैं वो सीख लें, बड़ी अच्छी बात थी। उनकी जन भलाई उनका एकमात्र उद्देश्य था और विद्वान थे। उसने धर्म के विषय में सहनशीलता नीति अपनाई, ये भी अपनाए। आज के दिन ज़्यादा जो है ना, किसी भी धर्म से संबंधित शासक प्रशासक हो, सहिष्णुता नीति होनी चाहिए। इस तरह की कट्टरता भरी बातें नहीं होनी चाहिए। सर्वधर्म सद्भाव यानी सभी के प्रति उदारता सहिष्णुता परिचय देना चाहिए, वैसा उन्होंने अपनाया। इसे शासक मजबूत होता है। उसने धार्मिक सहनशीलता की नीति के तहत लोगों को सिर्फ प्यार बांटा, तब बदले प्यार ही प्राप्त किया। उसके दरबार में एक से एक बढ़कर विद्वान थे, जिन्होंने हर्षवर्धन का नाम इतिहास में अमर कर दिया। उसने स्वयं तीन ग्रंथों रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागदंत की रचना की थी। उसने अपनी रचनाओं से भारतीय साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उसके साम्राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय तक्षशिला भी था, जिसको सहयोग करके उसने नई ऊंचाइयां प्रदान की। हर्षवर्धन के शासनकाल में सभी क्षेत्रों में बहुमुखी प्रगति हुई, इसलिए विद्वानों तथा इतिहासकारों से अद्वितीय सम्राट की संज्ञा भी दी है। इतिहास में उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाएगा।
हर्षवर्धन के शासनकाल को जानने के लिए हमारे पास अपार स्रोत उपलब्ध हैं, जिसमें हून सांग का विवरण, हाँ ये जो चीनी यात्री जो अरविंद सांग या हून सांग जो बता रहे हैं, ये जो भी है ये उस समय यहाँ आया था हर्षवर्धन के समय। बाणभट्ट का हर्षचरित का कादंबरी, बांसखेड़ा व मधुबन का ताम्रपत्र अभिलेख तथा उनकी स्वयं की रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पुष्पभूति वंश का आरंभिक इतिहास, बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति पर उल्लेखनीय प्रकाश डाला है। उसने हरियाणा देश का शासक बताया गया है और थानेश्वर को उसकी राजधानी। विद्वानों का मानना है कि पुष्पभूति क्षत्रिय वंश से संबंध रखता था, परंतु इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों मानना है कि वह वैश्य जाति से संबंधित था। वैसे जाति यही होती है, अगर कोई लड़ाका है तो वो क्षत्रिय है, ये कोई इतिहासकार और अनावश्यक रूप से खच्चर पार्टी का विवाद करने की जरूरत नहीं है। क्षत्रियता का मतलब एक है वीरता, बेकार में डींग मारना ये क्षत्रियता नहीं। आज भी अगर बच्चा को रोड पर अपनी वीरता दिखाता वो क्षत्रिय है। शेर, कुत्तों का नाम शेर निकालने से कुत्ते शेर नहीं हो जाते, शेर तो शेर ही होता है। तो मैं ये क्या था, मैं इतना कह सकता हूँ वीर था, ये क्षत्रिय था। उसका वंश, उसके बाप दादा किस खानदान से थे वो मुझे मतलब नहीं है, सही मायने में भी वीर था, विद्वान था और जन हितेशी था और धार्मिक श्रेष्ठता हर्षवर्धन वास्ते महान शासक था, इसमें कोई दोरा नहीं। पुष्पभूति के विषय में राधा कृष्ण चौधरी ने लिखा है कि पुष्पभूति नाम के व्यक्ति ने, जो शिव का भक्त था, इस वंश की स्थापना की। जब गुप्त साम्राज्य के अवशेषों पर बहुत सारे राज्यों का निर्माण हो रहा था तो उसने भी उस परिस्थिति का लाभ उठाकर अपने वंश की स्थापना कर डाली। निश्चित ही वह शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा। पुष्पभूति जिस वंश की स्थापना की, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण राज्य के वंश है। मोखरियों के बाद इस वंश ने भारतीय परिवेश में कन्नौज को उसी तरह महत्वपूर्ण बना दिया जैसा कि कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था। पुष्पभूति शिव का उपासक था तथा उसके गुरु का नाम भैरवाचार्य था। हरस के अभिलेखों बांसखेड़ा, सोनीपत, मधुबन, नालंदा, मुहर में पुष्पभूति का नाम नहीं है। इन अभिलेखों में हर्ष से पहले के 5 वर्धन शासकों नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन तथा राज्यवर्धन द्वितीय के नाम दिए गए हैं। इनमें पुष्पभूति का नाम न होना आश्चर्यचकित करता है। हर्षवर्धन के अभिलेखों अनुसार नरवर्धन इस वंश का पहला ऐतिहासिक राजा था। अर्ली 3 रूलर्स इस वंश के 3 प्रारंभिक शासकों की बात की जाए तो वो हैं नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम तथा आदित्यवर्धन इस वंश के प्रथम प्रारंभिक 3 शासक थे। इन 3 शासकों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, जिससे संकेत मिलता है कि शायद ये सामंत शासक रहे हों। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजुमदार के अनुसार इन 3 प्रारंभिक वर्धन शासकों में या नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन 500 ईस्वी से 580 ईस्वी तक सामंतीय शासन के, सामंतीय मतलब जैसे कुछ गांवों का एक समूह कबीला तक सीमित था उसको। प्रभाकरवर्धन, विद्वानों इतिहासकार अनुसार प्रभाकरवर्धन इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। वह वास्तव में स्थानेश्वर का पहला शक्ति शासक था, जिसने महाराजा धीराज तथा परम भट्टारक की उपाधियाँ धारण की। ये बड़ी उपाधियाँ थी उस समय की। उसके शासनकाल में चारों ओर उसकी पताका लहरा रही थी। प्रभाकरवर्धन 580 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बाणभट्ट ने अपनी रचना हरिश्चरित में प्रभाकरवर्धन के विषय में लिखा है, वह हूण रूप हिरण के लिए सिंह, सिंधु राज के लिए जवर, गांधार राज रूपी सुंगद हाथी के लिए महामारी, गुर्जर देश की निद्रा को भंग करने वाला, लाटों की पटुता का अपहरण करने वाला तथा मालवा देश की लता रूपी लक्ष्मी की शोभा को नष्ट करने वाला पशु था। हर्षचरित में बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन के विषय में लिखा है। इतिहासकार बाण के इस कथन पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, परंतु हो सकता है कि उसने इस कथन में वर्णित शासकों या राज्यों से कोई युद्ध लड़ना पड़ा हो, परंतु वास्तविक उसके पास उसका राज्य थानेश्वर तक सीमित रहा।
वह सूर्य का उपासक था। हरिश्चरित विवरण के अनुसार उसे सूर्य की कृपा से तीनों संतानें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री प्राप्त हुई। यानी प्रभाकर वर्धन जिसकी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वह हर्ष के पिताजी राज्यवर्धन तीन संतान थी, हर्षवर्धन और राजश्री। उसने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मोखरी राजा ग्रह वर्मन के साथ किया था। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। राज्यवर्धन दवित थे। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था, यानी हर्ष का जो बड़ा भाई राज्यवर्धन दवित थे। जब उन्हें पिता की मृत्यु हुआ 605 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा। अपने पिता की मृत्यु से इतना विचलित हो गया तो उसने संन्यास लेने की घोषणा तक कर दी थी, परंतु हर्ष की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने सिंहासन बैठने के बाद अपने पिता की तरह महाराज अधिराज व परम भटारक की उपाधियाँ प्राप्त की। अभी राज्यवर्धन के राज्याभिषेक की मेहंदी सूखी भी नहीं थी, उस समाचार मिला कि मालवा राजा देवगुप्ता गौड़ के शासक शशांक ने मिलकर उसके बहनोई ग्रह वर्मन की हत्या कर दी है। इससे भी ज़्यादा दुख समाचार ये था कि उसकी बहन राजश्री को पकड़ कारागार में डाल दिया गया था। इस समाचार ने राज्यवर्धन को गर्म लोहा बना दिया। उसने थानेश्वर हर्ष को सौंप दिया था स्वयं अपनी बहनों की हत्या बदला लेने के लिए। वह बहन राजश्री को रिहा करवाने के विशाल सेना से मालवा पर आक्रमण कर दिया तथा संभवतः देवगुप्त को मार डाला, परंतु शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इस प्रकार वर्धन वंश पर चारों संकट के बादल मंडराने लगे, परंतु कहावत है कि सोना तपकरी कुंदन बनता है। इस संकट का समाधान तब पूरे वंश का भविष्य अभी तक उनके बीच में ही था, और वह था हर्षवर्धन यानी राज्यवर्धन द्वितीय बहनों की हत्या का बदला लेने, बहन को कारागार से छुटवाने के लिए गया, धोखे से हत्या कर दी गई, और सारा राजवंश को बचाने का भार हर्षवर्धन पर आ गया। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का छोटा बेटा था, राज्यवर्धन का छोटा भाई था। हर्षवर्धन का जन्म लगभग 590 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता ये लगभग इसलिए जोड़ देते हैं, उसमें यथार्थ आंकड़े मिल नहीं रहे, उसी के आसपास विश्वस्त तिथि वही मानी जा रही है। उसकी माता का नाम यशोमती था। उसमें बाल्यकाल से विलक्षण प्रतिभा थी और लोग उसे सूर्य का प्रताप देखते थे। उसका बाल्यकाल भांडी कुमारगुप्त व माधवगुप्त के साथ व्यतीत हुआ था। भांडी मामा का लड़का था और कुमारगुप्त माधवगुप्त मालवराज महासेन के पुत्र थे। हर्ष को बचपन से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। वह कम आयु के विभिन्न प्रकार के शस्त्र चलाने निपुण हो गए। कम आयु में बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में उसकी शिक्षा दीक्षा के विषय में विस्तार से लिखते हुए कहा है कि दिन प्रतिदिन शस्त्राभ्यास से चिन्हों से उसके हाथ काले पड़ गए थे, मानव समस्त राजाओं के प्रताप को अग्नि को शांत करने मलिन हो गए थे। युद्ध की शिक्षा साथ तो उसे दूसरी विधाओं साहित्य ललित कलाओं की शिक्षा मिली होगी, तावश्य उसने सभी को पर्याप्त योग्यता हासिल कर ली होगी, क्योंकि बाद में प्रसिद्ध लेखक बना था। 605 ईस्वी की परिस्थितियाँ वर्धन परिवर्तन वंश के लिए बहुत भयानक थी। 605 ईस्वी को जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई, उसी दिन मालवा के शासक देवगुप्त ने उसके बहनों ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और उसके बहन राजश्री को बंदी बना लिया। उसी रोज उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन उसका बदला लेने कन्नौज के लिए निकल पड़ा। उसने तत्काल ही मालवा के शासक देवगुप्त को मार डाला, परंतु गौड़ शासक शशांक ने धोखे से उसका कत्ल कर दिया। इन विकट परिस्थिति में राजदरबारियों के परामर्श के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेश्वर का शासक बनाया गया। परंतु हर्षवर्धन सिंहासन ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, परंतु वह सेनापति ने उसको सिंहासन स्वीकार करने के लिए मना लिया। हरिश्चरित के अनुसार यहाँ के सेनापति सिंहनाद ने निम्न प्रकार से हर्ष को संबोधित किया, कायरोचित शोक का परित्याग कर राज के गौरव को जो अपना पैतृक अधिकार है उसी प्रकार से ग्रहण कीजिए जैसे सिंह मृग साव को ग्रहण कर लेता है। अब चूंकि राजा की मृत्यु हो चुकी और राज्यवर्धन ने दुष्ट गौड़राज रूपी सर्प के डसने से अपने प्राण त्याग दिए हैं, अतः इस घोर विषय में पृथ्वी का भार ग्रहण करने के लिए आप ही अकेले शेष नाग हैं। शासक बनने के बाद सेनापति सिंहनाद ने
संबोधित किया इन शब्दों के साथ। शासक बनने के बाद उसके सामने दो गंभीर चुनौतियां थी। उसे गौड़ शासक शशांक को मारकर अपने भाई की हत्या तवन बहन राजश्री के अपमान का बदला लेना था। दूसरी समस्या उसे भयंकर थी, क्योंकि उसकी बहन कारागार से निकलकर विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए चली गई थी। अब उसे किसी प्रकार से ढूंढना था। अपनी सेना को भांडी के नेतृत्व में देकर, ये भांडी उसके मामा का लड़का था, वह अपने विश्वास पात्र सामंतों के साथ अपनी बहन को खोजने निकल पड़ा। उसने सही समय पहुंचकर अपनी बहन को सती होने से बचा लिया। राजश्री ने अपने भाई तक कन्नौज के मंत्रियों का आग्रह पर कन्नौज का सिंहासन स्वीकार कर लिया। इससे हर्ष की राजनीति व सैनिक शक्ति काफ़ी बढ़ गई। कन्नौज व थानेसर की कन्नौज काफ़ी बड़ी रियासत जो उसके कब्जे में आ गई। अब मैं हर्ष की विजयों की जब बात करूँ, क्योंकि उस तो हर्ष थानेश्वर और कन्नौज के एक साथ हो जाने से हर्ष की शक्ति और गौरव इतना बढ़ गया कि उसके गणना उत्तर भारत के महान शक्तिशाली सम्राटों में होने लगी। हर्ष ने जिसमें थानेश्वर गद्दी संभाली थी, उस समय से राज्य की सीमा सिर्फ निकटवर्ती क्षेत्र की सीमित थी। इसके अतिरिक्त उसे विरासत में विकट पारिवारिक राजनीतिक समस्याएं मिली थी। उस राज्य पर खतरे को के मंडरा बादल मंडरा रहे थे, परंतु हर्ष ने इन चुनौतियों नए केवल स्वीकार किया, परंतु बहुत जल्द ही उनका समाधान करके विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने गुप्त शासकों के साथ खोई राजनीतिक एकता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। हवेनसांग के वर्णन के अनुसार हर्ष लगातार 6 वर्षों तक पूर्वी राज्यों के साथ लड़ता रहा, और तब तक लड़ता रहा जब तक उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर ली। प्राप्त साक्ष्य तथ्यों के आधार पर हर्ष की विजय को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। उसकी जो 8वीं विजय मैं बताऊंगा, गौड़ विजय। हर्ष ने शासन संभालते से उस पहले गौड़ प्रदेश की तरफ ध्यान दिया। अब तक अपने भाई की हत्या को भूला नहीं था गौड़ शासक शशांक को, इसलिए उसने ये विजय प्रादेशिक विस्तार से ज़्यादा अहम था। स्वयं का प्रश्न था। उसने अपने विश्वासपात्र मित्र तथा सेनापति भांडी को गौड़ आक्रमण करने के लिए भेजा। इस सेना का उनकी सूचना मात्र से शशांक अपने स्थान से भाग खड़ा हुआ। हर्ष की सेना को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। हर्ष के लिए अपमान की बात थी। उसने अपनी सैन्य शक्ति और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कामरूप के शासक भास्करवर्धन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसका परिणाम सकारात्मक रहा। अब हर्ष के नेतृत्व दोनों की संयुक्त सेना ने गौड़ पर चढ़ाई की। शशांक अपनी राजधानी छोड़कर उड़ीसा की ओर भाग गया। साक्ष्य से ज्ञात होता कि शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष बंगाल पर अधिकार कर सका। ईस्वी के अभिलेखों से पता चलता है बंगाल प्रशासन का अधिकार था। बहुत बड़ी बात आई। इस विषय में महान इतिहासकार डॉक्टर मजूमदार ने अपनी राय प्रकट करते हुए लिखा है कि शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष ने बंगाल उड़ीसा पर अधिकार किया। हर्ष की इस विजय का उल्लेख बाण भट्ट के छोटे भाई हवेनसांग ने भी किया है। 5 प्रदेशों विजय। हर्ष लगातार 6 वर्षों तक 5 प्रदेशों के साथ युद्ध करता रहा तथा अंततः वह पंच भारत का स्वामी बन गया। इसका वर्णन हवेनसांग ने अपने वृत्तांत में किया। हर्ष ने 5 प्रदेशों को अपने साम्राज्य मिलाकर अपनी शक्ति को पहले से कई गुना बढ़ा दिया, और ये 5 प्रदेश हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इन विजयों से हर्ष की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वल्लभी की विजय। भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य वल्लभी आधुनिक गुजरात प्रांत में स्थित था। सामरिक दृष्टि से राज्य हर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये दक्षिण चालुक्य नरेश के साम्राज्य तथा हर्ष के साम्राज्य के बीच स्थित था वल्लभी। ये दोनों साम्राज्यों के मध्य बफर प्रदेश की भूमिका में था, इसलिए हर्ष इस राज्य को जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर करना चाहता था। एक अनुमान के अनुसार हर्ष ने 630-640 के बीच वल्लभी पर आक्रमण किए। इस समय इस प्रदेश पर ध्रुवसेन द्वितीय शासन कर रहा था। इस युद्ध में पराजित हुआ था। भड़ोच के शासक दद्दा के पास शरण लेकर अपनी जान बचाई, परंतु हर्ष उसकी वीरता से बहुत खुश हुआ। ध्रुवसेन ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करके उसे अपना प्रायोगिक मित्र बना लिया। हर्ष की विजय अपनी महान कूटनीतिक सफलता थी।
क्योंकि उसे दक्षिण के प्रसार के लिए वफादार मित्र की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त उसे पता था चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से जल्द ही उसकी मुठभेड़ होगी, उस समय यह प्रदेश उसके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है। उसका ये भी कारण था कि हमें जो है ध्रुवसेन द्वितीय से इसीलिए दोस्ती बढ़ाई, अपनी पुत्री का विवाह किया। अब पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। दक्षिण भारत में उससे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक था। हर्षवर्धन की तरह वह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। हवेनसांग ने भी उसकी शक्ति की काफ़ी प्रशंसा की है। हर्ष जहाँ दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वहीं पुलकेशिन द्वितीय उत्तर की ओर अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। दो महत्वाकांक्षी शासक भिड़ गए और युद्ध वहीं होता है, युद्ध का अंजाम भी होता है। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष चाहता दक्षिण बढ़ो और पुलकेशिन चाहता था उत्तर बढ़ो। अपने अपने क्षेत्रों से संतुष्ट नहीं थे और टकराव स्वाभाविक था। ऐसे में दोनों के मध्य टकराव होना स्वाभाविक था। इस टकराव का एकमात्र कारण था दोनों महान शासकों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं नर्मदा नदी तक जा पहुंची थी। वल्लभी की विजय ने पुलकेशिन द्वितीय को चिंतित कर दिया था, इसलिए अब युद्ध को किसी भी स्थिति टाला नहीं जा सकता था। फलस्वरूप नर्मदा नदी के तट पर दोनों महान शासकों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। डॉक्टर एस आलतेकर ने युद्ध की तिथि 630 से 633 ईस्वी के मध्य निश्चित की है, जो शायद सर्वाधिक तर्कसंगत व सर्वाधिक मान्य है। इस विजय का महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है कि इस विजय के बाद चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। डॉक्टर सुधाकर चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि 643 में हर्ष ने कोंगोद प्रदेश की मोर्चाबंदी करके पुलकेशिन द्वितीय के कुछ प्रदेश प्राप्त कर लिए थे, इससे उसने अपनी पिछली हार का बदला ले लिया था, ऐसा कहा जाता है। बाकी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के घुटने टिका दी थी, इसमें कोई दोराय नहीं है। कामरूप की विजय। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कामरूप। गौड़ पर आक्रमण के समय हर्ष तथा कामरूप के शासक भास्कर वर्धन के मध्य संधि हो चुकी थी। डॉक्टर मुखर्जी का मानना है कामरूप के शासक भास्कर वर्धन ने बिना संघर्ष के हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इससे हर्ष का प्रभाव ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैल गया था, यानी आसाम साइड, आधुनिक आसाम। कन्नौज की धार्मिक सभा में कामरूप का शासक भास्करवर्धन हर्ष के लिए उपहार लेकर आया था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिंध की विजय, जो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, गुजरात से लगता हुआ आगे। हर्ष चरित में लिखित है कि हर्ष ने सिंध के शासक पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था, परंतु हमेशा ने इसके विपरीत सिंधु को स्वतंत्र राज्य बताया है। इसके साथ कुछ आधुनिक इतिहासकार इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं कि सिंध हर्ष के अधीन था। नेपाल तक कश्मीर की विजय। मतलब मैं आज के जो बच्चों से महत्वाकांक्षी होना और आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के छोटे स्थानेश्वर एक स्थान से चलकर वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक क्या जीता, बहुत बड़ी बात है हर्ष की, इस महान सम्राट की। बहुत से विद्वानों माने कि हर्ष ने नेपाल तक कश्मीर के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। भगवानलाल इंद्रजी फ्लीट व स्मृति इस मत के समर्थक हैं। उन्होंने तर्क दिया बाण ने अपनी रचना हर्ष ने उल्लेखित किया है कि हर्ष ने एक दुर्गम पर्वतीय प्रदेश विजय प्राप्त की थी। इन विद्वानों ने दुर्गम क्षेत्र को नेपाल या कश्मीर माना है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि नेपाल के शासक ने हर्ष संवत का प्रचलन अपने राज्य में किया था। ऐसा तभी हो सकता है जब प्रदेश हर्ष के अधीन हो। हवेनसांग के वर्णन को आधार बनाते हुए डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कश्मीर के राजा के पास माता बुद्ध के अवशेष मिले थे, तब यहाँ के शासक ने डरकर बुद्ध के दांत हर्ष को उपहार स्वरूप दिए थे, पहुँचाए थे। परंतु डॉक्टर आर सी मजुमदार तथा त्रिपाठी मोदी ने इन बीजों को काल्पनिक माना है। उनका कहना है कि कश्मीर तथा नेपाल हर्ष के साम्राज्य भाग नहीं थे। गंजाम विजय। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गंजाम। उस समय गंजाम को कांगोद भी कहा जाता था, जो महानदी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था। महानदी आजकल उड़ीसा में बहती है। हवेनसांग में उल्लेखित किया गया 643 के पास हर्ष ने इस प्रदेश पर आक्रमण कर लिया और अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। शायद गंजाम विजय हर्ष के जीवन की अंतिम विजय थी। मैं इस तरह की आज इतना बताऊंगा, हर्ष के प्रशासन और अन्य बातें आगे बताऊंगा। हर्ष परीक्षागत जो है महत्वपूर्ण एक पाठ है और इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।